पूर्वोत्तर रेलवे ओबीसी रेल कर्मचारी एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं ने आज गोरखपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर एसोसिएशन का 21वां स्थापना दिवस मनाया और 1 नंबर प्लेटफॉर्म से चलकर पूरे प्लेटफॉर्मों पर ढोल नगाड़े और नारेबाजी के साथ स्थापना दिवस मनाया। के जोनल महामंत्री राम बदन यादव ने कहा कि सर्वप्रथम हमको अपना संविधान बचाना है और जो भी संविधान में बाधा डाल रहा है उसको बख्शा नहीं जाएगा और हम लोगों की यही मांग है कि ओबीसी को भी आरक्षण उतना ही दिया जाए जितना संविधान के अनुसार मान्य है। मित्रों, आज आपका 21वां स्थापना दिवस है। ओबीसी की जो डिमांड है, 15 सूत्री डिमांड, जिसको लेकर के आज आप लोग जो है इतना बड़ा जुलूस लेकर निकल रहे हैं और इसमें से मैं समझता हूं कि सर्वप्रथम हमको अपना संविधान बचाना है, दूसरा जब संविधान बचेगा तो ओबीसी का आरक्षण भी बचेगा और आरक्षण के विरुद्ध जो भी लोग साजिश कर रहे हैं उनका पर्दाफाश करेंगे और ओबीसी अपनी एकता और अपनी जो है संबद्धता को प्रदर्शित करके आगे एक स्वर्णिम जो है आदेश देने वाला है। यह आपको और आने वाले समय को यह बताएगा कि ओबीसी अपनी संख्या के अनुसार आरक्षण लेकर रहेगा और आरक्षण ही नहीं लेगा, वो देश को बनाएगा और देश को विश्व में सर्वोपरि बना करके आपको दिखाएगा। क्योंकि अभी तक हम ये चुप रहे कि देश में विकास हो, रेल में विकास हो, लेकिन हम अपने हक के लिए कभी नहीं आगे आए। लेकिन जब देखा गया कि हमारा खून पसीना इस देश के लिए लग रहा है फिर भी हमारे हकों को मारा जा रहा है और आज मौजूदा समय में सारे ओबीसी के आरक्षण समाप्त कर दिए गए हैं। जो भी मंडल कमीशन ने 27% आरक्षण आपको दिया, संविधान में आपकी व्यवस्था हुई, उसे अंदर ही अंदर खाया जा रहा है। हम इसे नहीं होने देंगे। आज इस स्थापना दिवस पर हम लोग संकल्प लेकर चलेंगे कि ओबीसी को जितना उसका जो है प्रतिनिधित्व इस देश में है, जितनी संख्या है, उतना आपको आरक्षण देना पड़ेगा। अगर आप नहीं देंगे तो ओबीसी रास्ते में आएगा, ओबीसी संघर्ष करेगा और ओबीसी अपनी एकता को प्रदर्शित करके आगे आने वाले समय में ऐसा भविष्य आपको दिखाएगा जो ओबीसी का होगा। यह देश की आत्मा है, यह ओबीसी देश का आत्मा है, यह देश के लिए मरता है और देश के लिए मरता रहेगा।